नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन, जिसका ये पार्ट नंबर 11 रहेगा, वन लाइनर में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला कह रहा है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर जी है, जी का मान न्यूनतम रहता है, तो वो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम रहता है। दूसरा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। तीन है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अक्ष से किया जाता है? गैलेना से। चार, हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। पाँच, द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? जे के गालब्रेथ। छः, महासागरी ज्वार संबंधी अपगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एयरी ने। सात, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? 10.14% पर। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? अधिमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन। 9, नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1853 ईस्वी में। 10, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? जे के रॉलिंग, ब्रिटेन के। 11, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिस, समुद्री सांप। 12, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। 13, पृथ्वी की घूर्णन गति अपने जी के मान पर क्या असर पड़ेगा? तो जी का मान कम होगा। 14, कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिस के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटिन। 15, गीतांजलि की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 16, बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। 17, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये इंग्लैंड में हुई थी। 18, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? मुद्रास्फीति। 19, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? लॉर्ड रिपन ने। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। 21, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सीसा। 22, पंचायती राज किस सूची में है? राज्य सूची में। 23, तंबाकू के मोजेक रोग का कारक विषाणु कौन सा है? TMB, टोबैको मोजेक वायरस। 24, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। 25, फंडीश्वरनाथ रेड़ के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई? मारे गए गुलफाम। 26, कंपनी अंश शेयर पर मर्यादित लिमिटेड होने का अर्थ क्या है? निवेश राशि सीमित होना। 27, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। 28, एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंडा वनस्पति। 29 है, गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? अजातशत्रु। 30, उसने कहा था किस साहित्यकार की कहानी है? उसने कहा था किस साहित्यकार की कहानी है? चंद्रभास शर्मा गुलेरी की। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।